फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्पेस एक बहुत ही स्ट्रेंज जगह है और ऐसी बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जो आज भी नहीं सुलझ पाई हैं। जब से स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत हुई है तब से अभी तक साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सी अजीब चीजों का सामना करना पड़ा है। UFOs से लेकर अजीब लाइट्स तक स्पेस के कोल्ड वैक्यूम में कई अजीब चीजें हुई हैं। तो ये चीजें क्या थी और ये कहां से आई थी, साइंटिस्ट इन बातों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स ट्रक में आप सभी का स्वागत है। आज फैक्ट्स ट्रक आप लोगों को बताने जा रहा है स्पेस में हुए कुछ अजीब इंसिडेंट्स के बारे में। चाइना के यांग लीवेई पहले एस्ट्रोनॉट थे जिसे चाइना ने शेंजो 5 से स्पेस में भेजा था। उन्होंने बताया कि उनके 21 घंटे के मिशन के दौरान उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी जो ऐसी लग रही थी जैसे कोई स्पेसक्राफ्ट पर नॉक कर रहा था। उन्होंने इसका पता लगाने की कोशिश भी की मगर वो नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाद में कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि ये शायद उनके स्पेसक्राफ्ट के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की आवाज थी। जब नासा के एस्ट्रोनॉट मसग्रेव स्पेस में थे तो उन्होंने ईल जैसी उड़ती हुई ट्यूब्स देखी। इन ट्यूब्स का खुद का प्रोपल्शन सिस्टम भी था। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये बस स्पेस जंक होगी मगर मसग्रेव अपनी बात पर अड़े हुए हैं। अपोलो 11 के कई एस्ट्रोनॉट्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने स्पेस में अजीब सी लाइट देखी। ये चमकदार लाइट उन्हें आंखें बंद रहने पर भी दिखाई दे रही थी। एस्ट्रोनॉट्स ने समझाया कि ये लाइट व्हाइट, ब्लू और येलो कलर की थी। साइंटिस्ट मानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स पर कॉस्मिक रेस पड़ने की वजह से उन्हें ऐसा लगा होगा। मरकरी मिशन का हिस्सा रहे मेजर गॉर्डन कूपर जब स्पेस कैप्सूल में अर्थ के चक्कर लगा रहे थे तब उन्होंने एक ग्रीन ऑर्ब अपनी तरफ आता हुआ देखा जो उनके पास पहुंच के गायब हो गया। ऑस्ट्रेलिया के एक ट्रैकिंग स्टेशन ने भी इस ऑर्ब के सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया। जब नासा ने अपने एयरक्राफ्ट में आग लगा दी, जी हाँ, बेहद खतरनाक होने पर भी नासा ने अपने एयरक्राफ्ट में एक्सपेरिमेंट्स के लिए आग जलाई। ये एक्सपेरिमेंट ये समझने के लिए था कि स्पेस में आग कैसे जलती है और अर्थ से बिल्कुल अलग ऊपर उठने की बजाय फ्लेम्स गोल हो गई थी। जब नासा का स्पेसक्राफ्ट अपोलो 10 मून के चक्कर लगा रहा था तब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में म्यूजिक सुनाई देने लगा और इस म्यूजिक के वक्त अर्थ से उनका कनेक्शन थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से कट गया। एस्ट्रोनॉट्स ने इसकी जानकारी मिशन कंट्रोल को नहीं दी लेकिन सालों बाद इसकी रिकॉर्डिंग्स में सीटी जैसी आवाजें सुनाई दी। इस म्यूजिक को आउटर स्पेस टाइप म्यूजिक कहा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये वो एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने चांद पे सबसे पहले कदम रखा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद से नासा को एक सीक्रेट मैसेज भेजा था जिसमें उन्होंने चांद पर एलियन देखे जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि एलियंस चांद की दूसरी तरफ हैं और वो हमें देख रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट सैल्यूट 6 में रशियन कॉस्मोनॉट मेजर जनरल व्लादिमीर ने स्पेस में उड़ता हुआ एक उंगली के साइज का ऑब्जेक्ट देखा जो उनके स्पेसक्राफ्ट के चक्कर लगा रहा था और वो पास आकर दो गोल्डन टुकड़ों में टूट गया और फिर गायब हो गया। एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसे कई और इंसिडेंट हुए हैं जो स्पेस को एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक। थैंक यू।